तुम हुए मेहरबान तो है ये दास्तां, अब तुम्हारा मेरा एक है कारवां, तू जहां मैं वहां। मैं अगर कहूँ तुम साहसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो सोनू निगम जी हमारे बीच आ चुके हैं। सर, इन आवाजों को सुनकर कुछ कहना चाहेंगे आप? नमस्ते आप सभी को, मुझे स्वागत अपने ऐसे किया था कि वही मैं क्या बोलूँ, मैं तो सुनता ही आ रहा हूँ, बहुत सारी आवाज़ों को सुनता हूँ। इनफैक्ट गाड़ी में भी एक आवाज़ को सुनते आ रहा हूँ मैं। सो अच्छी अच्छी आवाज़ें सुनने को मुझे मौका मिलता है, एंड ऑब्वियसली भगवान ने इसी वजह से मुझे पैदा किया शायद, कि मैं नई नई आवाज़ों को सुनूँ। मैं जब नया आया था तभी से मैं नई नई आवाज़ों को के साथ में जुड़ा रहा हूँ हमेशा। सो अभी तक यही प्रक्रिया चल रही है और मैं खुश हूँ उस बात से। ग्रेट, तो बेनेटल बिग गोल्डन वॉइस का ये सीजन 6 है। मैं आपको बता दूं कि 5 कमाल के सीजन के बाद इस छठे सीजन को जज कर रहे हैं हमारे अपने हम सबके प्यारे जो हमारे दिलों में रहते हैं, सोनू निगम जी। एक बार जम के तालियां हो जाए सोनू सर के लिए। देश भर से अलग अलग आवाजें यहां तक पहुंच रही है। 16th दिसंबर वो आखिरी तारीख है जब जो टैलेंट है वो अपने गाने को हम तक पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे जरिए हैं जिसमें से एक सिंपल सा तरीका यह है कि आप देश में पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी हो, फेसबुक पर जाइए 927 बिग एफएम, ये हमारा फेसबुक का पेज है, ऑफिशियल फेसबुक पेज। वहां पर आपको एक टैब दिखेगा बेनेटल बिग गोल्डन वॉइस सीजन 6 का, उस फॉर्म को फिलअप कीजिए और अपनी ऑडियो क्लिप अपलोड कीजिए और बस फिर सोनू सर जज करेंगे और ये सीजन आगे बढ़ेगा। क्या एक्सपेक्टेशन है सर, क्या लगता है इस बार के सीजन में क्या कमाल होने वाला है? रेडियो में होने वाला अमेरिका से एकमात्र एब्सोल्युटली कॉन्टेस्ट है जी, और इसकी पहली दफा इसका मैं हिस्सा बन रहा हूँ। जी जी जी, हालांकि मैं बिग एफएम से हमेशा से जुड़ा रहा हूँ, शुरुआत से ही उसका मैं ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुका हूँ। बिल्कुल, इसकी जब इनिशिएशन हुई थी बिग एफएम की तभी से मैं इसके शुरुआत से जुड़ा हूँ। तो अच्छी बात है, मैं देखूँगा कि मेरे ख्याल से हर जनरेशन में जो इंसान इवॉल्व होता है, एवोल्यूशन के हिसाब से इंसान तरक्की करता है, क्योंकि उसके पास में रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं। तो हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट थे रफ़ी साहब, लता जी, आशा जी, किशोर कुमार जी, मुकेश जी, मंदा जी साहब, हेमंत कुमार जी, तरत महमू जी, फिर गज़ल गायकों में से कितने लोग थे जिनको सुने, क्लासिकल में हमने सुना, तो हमने एक तरफ म्यूज़िक को समझा और आगे तक लेकर आया। फिर हमको सुन सुन के बहुत लोग और आगे आए हैं जो उनको और सुनने को मिलता है, मौका मिलता है। सो सबका इंटरप्रिटेशन बदलता रहता है ना। और मैं ये नहीं मानता कि कोई भी जनरेशन किसी से बेटर है, ये भी नहीं मानता मैं कि पुराने बेटर हैं या नया बेटर है। अच्छा बुरा हर जनरेशन में होता है और मेरे ख्याल से ये कहना भगवान के प्रति ये एक उनका उपहास होगा कि हम कहें कि तुमने एक बार तो अच्छे बना दिए, अब अच्छे बनाते नहीं हो, या तुमने अभी अच्छे बनाए, पहले अच्छे नहीं बनाए, ये भी बात रहोगे। तो अच्छे बुरे हर दौर में होते हैं और अच्छों को चुनना अच्छे लोगों का काम है। क्या बात है, तो हम अच्छे लोग बनने की कोशिश कर रहे हैं अच्छों को चुनने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टेलीविजन पर तो आपने मतलब बेशुमार टैलेंट को जज किया हुआ है, लेकिन ये रेडियो पर जज करने का अनुभव कुछ अलग होने वाला है, कुछ हटके होने वाला? जी, मैं अभी तो सिर्फ मैंने आपके लिए वो जो क्या बोलते हैं वॉइस नोट्स, क्या बोलते हैं, प्रोमोस रिकॉर्ड किए हैं। अभी तो असली गेम बाकी है, असली खेल शुरू होगा। हाँ, तो पूरे खेल तो अभी मुझे देखना है, इसका मजा लेना है। ये आप कुछ अंत में पूछिएगा कि कैसा कैसा रहा, बिल्कुल कैसा रहा। चलिए ठीक है, मैं हमारे दोस्त जितने भी मीडिया से आए हुए हैं उनसे दरखास्त करता हूँ कि अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं सोनू सर से। एनीवन, जी जी जी, टेबल लगा दीजिए। और जब तक की टेबल यहां पर आ रहा है, मैं जानता हूं कि आप सब और आप सबसे ज्यादा मैं एक गाना सुना दिया जब तक टेबल आ रही है, माहौल बन जाएगा बेनेटल बिग गोल्डन वॉइस सीजन 6 का। सर वो तो आजकल के जो गाने हैं, आपने पूरा टेबल की बात, तो मुझे मैं टेबल पे सुना तो गाना है। आजकल क्या हो गया कि किसी भी गाने को, किसी भी लफ्ज को रिपीट करो ना तो गाना हिट हो जाता है। वो तो टेबल पे माइक पड़े हैं, टेबल पे माइक पड़े हैं, टेबल पे माइक पड़े हैं, टेबल 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 पे माइक पड़े हैं, टेबल पे माइक पड़े हैं, टेबल पे माइक पड़े हैं, टेबल टेबल टेबल
वैसे कर दिया था ना ज्यादा बस आधे वर्ड रिपीट कर लिए, तीन चार बार वर्ड रिपीट कर लिए और टेबल पे मैं पड़े था, कुछ भी कर सकते हो हमारे भाई। टेबल तो आ गया आपका जी जी, गाना बजने का पहले बात, कंटेस्टेंट्स भी सुन रहे हैं, उनको टिप मिल गई है जी सर। आगे तो बात किधर है, मैं गाने बोलूं मुझे नेक्स्ट सर फर्स्ट ऑफ गो सुनो सर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन नई शुरुआत के लिए, रेडियो के जरिए आप आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप भाई? रेडियो से मेरा संबंध काफ़ी समय से रहा है, जब से रेडियो की रेवोल्यूशन शुरू हुई है हिंदुस्तान में, उसके पहले रेडियो था नहीं इतना, और तब लोग सीडीज़ खरीदते थे, सिर्फ कैसेट्स खरीदते थे। रेडियो आ गया तो रेडियो की वजह से सीडीज़ कैसेट्स की सेल ख़त्म हो गई है, पर उसमें जुड़ा रहा हूँ मैंने, इसके पहले भी रेडियो में काम कर रखा है। ये एक अलग एक्सपीरियंस है, इसमें मुझे लोगों को सुनने का मौका मिलेगा, शक्ल से इंसान इम्प्रेस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑडियो से इम्प्रेस होगा, तो ये अपने आप में एक अलग अनुभव होना चाहिए। क्या कुछ डिफरेंट दिखता है आपको रेडियो और फीचर शोज में, क्या डिफरेंट लगता है? एक बात तो है कि इसमें ड्रामा नहीं होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है, अगर सही मायने में सही कलाकार को परखना है तो उसके ड्रामे से दूर बचना पड़ेगा। वो क्या ड्रामा कर रहा है, मैं कितना गरीब हूँ, मैं कितना अमीर हूँ, मेरी माँ बीमार है या मेरी टांग टूटी हुई है, मेरी आँख फूटी हुई है, या मैं मरने वाला हूँ, या मेरे को छोड़ के भाग गई है, या मतलब जो भी, ये चीज़ें अलग हैं, क्योंकि देखिए कहानी हर इंसान की ज़िंदगी में होती है। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी कहानी आपसे ज़्यादा अच्छी है, आपकी भी कहानी होगी, उस कहानी को अगर मैं सुनूंगा तत्परता से तो शायद मुझे आपकी कहानी में मर्म समझ में आएगा कि यार इस आदमी ने ज़िंदगी क्या जी होगी। तो हर इंसान की कहानी में, कहानी अलग चीज़ है, टैलेंट अलग चीज़ है। तो मेरा ये मानना है कि जब आप टैलेंट को जज करते हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो गायन हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो लेखन हो, आपको उस टैलेंट पे ध्यान देना चाहिए बजाय कि उसके बैकग्राउंड पे या उसकी कहानी पे, क्योंकि नाटक बहुत लोग कर सकते हैं, अपने आप को उनको मालूम पड़ गया कि आजकल अगर थोड़ा सा अपनी कहानी बना दो तो लोग थोड़ा ध्यान ज़्यादा देते हैं या उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन असल में सिर्फ और सिर्फ टैलेंट साथ लास्ट तक साथ में रहता है। आप चाहे कैमरा पर्सन हों, चाहे आप फोटोग्राफी करते हों, चाहे आप एडिटिंग करते हों, आप कितना भी मार्केटिंग कर लें, कितना भी ड्रामा कर लें, अंत में आपका साथ टैलेंट देगा सिर्फ। तो ये जो हम जिस तरीके से अब जज कर रहे हैं, ये एक बिना किसी मैनिपुलेशन के खालिस आवाज़ को जज करने वाली बात है। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि अभी जो रिसेंट डेज में रियलिटी शोज में ड्रामे हो रहे हैं, इस तरह के जो वाक्य आ रहे हैं। हाँ, अच्छे भी हो रहे हैं, अच्छी भी बातें होती हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे ड्रामे होते हैं, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एक बड़ी अच्छी बात जावेद अख्तर साहब बोलते हैं, और ये मैं हमेशा कहता हूँ, और जावेद साहब इसको और ज़्यादा मुझसे बोलते हैं, कि कभी भी क्रिएटिविटी के साथ में मार्केटिंग की टीम को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मार्केटिंग का काम होता है मार्केटिंग करे जो क्रिएटिव चीज़ आई है। जब मार्केटिंग टीम बताती है कि क्रिएटिविटी कैसे की जाती है, तो समझो कि वो प्रोडक्ट जो है वो मटमैला है, पोल्यूटेड है। तो जब आप कोई टेलीविज़न शो बनाते हैं, तो अगर आप क्रिएटिविटी पे ध्यान दें, क्रिएटिव टीम को अलग रखें, मार्केटिंग टीम ये ना बताए कि अरे यू नो व्हाट आई थिंक यू शुड डू दिस, यू डू दैट, यू नो पीपल आर गेटिंग टीआरपी, यू नो व्हाट यू डू दिस दैट एंड दिस एंड दैट एंड दिस, उसमें फिर आपकी क्रिएटिविटी जाती है। फिर आपको जो नौसिखिए लोग हैं जिनको पता नहीं है, मान लीजिए जैसे मैं कैमरा का एग्जांपल दे रहा हूँ, अब आपको पता है ये कैमरा कैसे चलाना है, ये आपकी स्टडी है, आपने इस पर ज़िंदगी बिताई है, आप इस पर काम रोज़ इसको आप पकड़, अब मैं बताऊँगा आपके, नहीं नहीं सर ये एंगल को थोड़ा ऐसे कर दो, हाँ ये बटन रॉन्ग, ये रॉन्ग बटन दबा रहे हो अपना, इसको नहीं इसको ऐसे, आपको क्या लगेगा कि यार ये हमारा काम, ये हम इसको ज़िंदगी में जीते हैं, हम इसकी इसे रोटी कमाते हैं, हमने इस पर स्टडी करी, हमारा परिवार इसे चलता है, और ये कल का आदमी जिसको उसको कैमरा उठाना नहीं आता, ये हमको बता रहे हैं, ज्ञान दे रहा है हमको, पर क्योंकि मैं मार्केटिंग का आदमी हूँ तो मैं बोलूँगा कि भैया आपको कैमरा कैसे उठाना है कि हम आपको बताएंगे। तो ये फ़र्क हो जाता है कि जब मार्केटिंग और क्रिएटिव लोगों को नहीं बोलना चाहिए कभी मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, ये भी बात है, जो जिसका एक्सपर्टीज़ है वो वैसे बोले। तो मैंने देखा है कि टेलीविज़न शोज़ में होती है मैनिपुलेशन होती है। कुछ ऐसे कोई मैंने सोचा नहीं है, कोई कोई धारणा लेकर नहीं आया हूँ मैं, जो भी जैसा अच्छा हो, जो दिल को छुएगी आवाज़, जो अच्छी जो जो सिंसेरिटी दिखाई देगी
उसी को चुनेंगे जो उसे। सर, आपने अपने गानों को लेकर गाने के लिए कहा तो आपने कहा सेंटेंस या फिर वर्ड रिपीट करने पर गाने हाँ हाँ होते हैं, तो क्या आपका इशारा रैप की तरफ था? नहीं नहीं, रैप में तो बोला गाना बोला जाता है, गाने की ट्यून्स जो जिससे हम आजकल हुक लाइन कहते हैं, हुक लाइन रिपीट करके बनाती है, बनाई जाती है। नीली शर्ट वाली लड़की, नीली शर्ट वाली लड़की, हाय नीली शर्ट वाली लड़की, नीली शर्ट वाली लड़की, तो गाना बन गया। नहीं नहीं, क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़ को, मेरे हिसाब से आप अपना ईगो दिखा रहे हैं क्रिटिसाइज़ कर। देखिए, जो वो कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। आप कैसे कह सकते हैं कि जो बादशाह है या रफ्तार है वो बेकार है और हम बड़े अच्छे हैं? ऐसा नहीं कह सकते। उनकी अपनी स्टडी है यार, वो अपना कुछ कर रहे हैं, वो नया लेकर आए, उनका स्टाइल है, उनके म्यूजिक स्टाइल है, वो अपनी रिदम से कुछ कर रहे हैं, बना रहे हैं। आई डोंट बिलीव इन क्रिटिसाइजिंग एनीबडी, दिस इज़ देयर थिंग, यू डू योर थिंग प्रॉपरली। मैं मेरा काम पर ध्यान दूँ, मैं किसी और के काम की बुराई नहीं करूँ, मेरा ये मानना है। काफ़ी क्या हो रहे हैं, क्या बात है, शाबाश। क्या है कि इसमें लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट, जेन्युइनली इसमें कोई किसी की बुराई करने की बात नहीं है। ये बात तो पक्की है कि जब कोई गाना किसी गाने को रिहैश करके बनाया जाता है, पुराने गाने को, तो उसकी रिकॉल वैल्यू ज़्यादा होती है, इसमें तो आप डिनाई नहीं कर सकते। एक नए गाने की बनिस्बत एक पुराना गाना जब बनाया जाता है तो उसकी रिकॉल वैल्यू, अरे हाँ ये तो वैसे गाना है यार, वो गाना है, एक वो आता है, उससे कुछ लोगों को पसंद आता है और कुछ लोग को लगता है कि यार मेरा पुराने का मजाक किरकिरा कर दिया तुम लोगों ने। जैसे जब मेरा गाना दीवाना तेरा, इस गाने को जब रिहाइश किया गया था तो लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया इसको, क्योंकि उनके दिलों में मेरा गाना बैठा हुआ है, वो गाना लगता है उनको ये सोनू निगम का गाना है। फिर किस कदर प्यार है हम सफ़र, इस गाने को भी कोशिश की गई कि दीवाना एल्बम को तोड़ के सोनू निगम से हटा के हम अपना कर लें, नहीं हो पाया। कुछ गाने लोगों के सिस्टम में बसे होते हैं, कल होना हो जैसे है, अब ये कल होना हो गाना मेरे साथ जुड़ गया है वो गाना, अब आप इसको तोड़ के बनाएंगे तो फिर शायद चल भी जाए, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ गाने ऐसे हैं, अब रफ़ी साहब के कुछ गाने हैं जो हमको इतने अच्छे लगते हैं कि हम कभी उनको छेड़ेंगे नहीं। मैंने वर्जन गा रखा है, जब हम नए थे तो वर्जन गा रखा था, फिर मैंने गुलाबी आके गाया, अभी वो भी हमने ट्रिब्यूट देकर गाया है, रफ़ी साहब को ट्रिब्यूट देके, ये मेरा गाना बोल के नहीं गाया था मैं, जट यमला पकड़, मेरा गाना बोल के नहीं गाया था, ये रफ़ी साहब का ही गाना है, हमने उस रफ़ी साहब जिंदा नहीं है तो हमने गा दिया, ये सोच के किया। इट इज़ नॉट लाइक आई हैव स्नैच्ड, अब ये गाना मेरा हो गया, ऐसा नहीं है। अच्छे गाने भी हैं, ऐसी बात नहीं, अच्छे गाने बनते हैं। और फिर क्या है कि हम लोग सब सोसाइटी को जानते हैं, आजकल ज़्यादातर लोग पार्टीज़ में गाने चलाते हैं, है ना, या सोशल गैदरिंग में कहीं दारू पी रहे हैं, उनको बड़ा मज़ा आ रहा है ना, दारू पी गाने बजा रहे हैं, है ना, तो वो भी एक चक्कर है, उसकी वजह से गाने वैसे बनते हैं। बट या म्यूज़िक कंपोजर्स को छूट नहीं है, मेरे ख्याल से लिरिक्स राइटर को छूट नहीं है, किससे गवाना है ये भी छूट नहीं है, कौन गाना बनाएगा ये भी छूट नहीं है इतना, तो ये एक थोड़ा माहौल बदला हुआ है। बट यू नो वी हैव टू एक्सेप्ट द चेंज एंड वर्क थिंग्स अराउंड अस। सो मैं थोड़ा पॉजिटिव किस्म का आदमी हो, ऑप्टिमिस्ट आदमी हो, तो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऐसी बात सर, अगर सिंगर की बात करें इससे थोड़ा हटके, मुन्ना जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे वहाँ पर सब सिंगर पहुँचे, अरे मुझे इतना दुख हुआ, जिनकी मिल का पत्थर साबित हुए गाना जो हिट हुए हैं, उनकी फिल्में हिट हुई हैं, उनको आज पहचाना जाता है एक सिंगर की वजह से, वो लोग भी वहाँ पे नहीं पहुँचे, गुमनाम की जिंदगी जी रहे थे मुन्ना जी। जी हाँ, मैं मुन्ना अजीज साहब, आपने मेरे वीडियो देखा था, जो मैंने वीडियो डाला था, देखा था आपने? नहीं देखा। मैं बहुत रोया उस दिन, बहुत रोया था। और अब किसी ने क्यों नहीं ट्वीट किया, किसी ने क्यों नहीं फेसबुक पे लिखा, कोई उनके उसमें क्यों नहीं आया, मेरा तो शो था, मैं नहीं आया, पर क्योंकि मैं घर पे गया था, उसी रात को मैं घर पे गया, उनकी वाइफ से मिला, उनकी बेटी से मिला, बहुत रोए हम लोग मिलके सब। लेकिन जो नहीं आए, अब मैं क्या बोल सकता हूँ जी, उसकी उनकी मर्ज़ी है, क्या कर सकते हैं, मैं कौन होता हूँ उनके बारे में कहने की, तुमने ट्वीट नहीं किया, तुमने, उनकी मर्ज़ी है, उन्होंने नहीं किया। बट मेरे हिसाब से मोहम्मद अजीज़ साहब मेरे गुरु थे, और मैं ऑलरेडी
उनके लिए ट्रिब्यूट के शो का एक काम कर रहा हूँ ऑलरेडी। हमें बॉलीवुड में याद नहीं किया जाता। 100 साल जब इंडस्ट्री के पूरे हैं तो मुझे खुद इंटरव्यू में बोला था कि बेटा हमें भूल गए, बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं, हमें कोई याद नहीं करता, ड्यूटी से इनवाइट भी नहीं आता है। ये बात तो है। और मुझे सिंगर का कितना योगदान होता है बॉलीवुड में, अगर बात कहानी की पता नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं खुद सिंगर हूँ, मैं अपनी बढ़ाई तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ हर इंसान का योगदान होता है। और हम सिंगर्स को ढूंढ रहे हैं आज, जो हमारा बिग एफएम के थ्रू हम ढूंढ रहे हैं, वो इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि सिंगर ही कोई वैल्यू होगी तभी ढूंढ रहे हैं, है ना। तो उस हिसाब से वी हैव टू जस्ट से कि उनके साथ में जो नहीं हुआ, जो हुआ, ये इस बारे में हम कभी और बात करेंगे क्योंकि आज हम एक इस उसमें हैं। पर हाँ, मोहम्मद अली साहब का जाना हमारे लिए बहुत बड़े दुख की, खेद की बात है। उनको हम भूल नहीं पाएंगे और हम लोगों को उन्हें भूलने देंगे भी नहीं, चिंता मत कीजिए आप, हम उनको भूलने देंगे भी नहीं। वन लास्ट क्वेश्चन, उनके साथ में कोई ऐसा वाक्य शेयर करें, गाने को स्टूडियो का। हाँ, मैंने उनके साथ गाना गा रखा है एक, यार मैं इंडिया चला वो गए। खैर, मैंने उनके बचपन में, बचपन से उनका बहुत फ़ैन रहा हूँ। मुझे फर्स्ट टाइम मिले थे तो मुझे कहते हैं कि अरे बाबा तुम्हारा मैंने गाना सुना, लगता है एकदम शार्प मोहम्मद अजीज़। तो उम्र छोटी थी मेरी, बिकॉज आई टू फॉलो हिम बहुत, तो उनको पता था कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। सो मुझे बहुत जल्दी चले गए, बड़ी दुख की बात। खैर चलिए, फाइनली सोनू सर, क्या हम आगे चल के आपको एक्टिंग करते हुए देख पाएंगे? मैं देखिए, मैंने कभी इस पर प्लान नहीं किया था। मैं अभी भी हमेशा कहता हूँ कि मैंने कभी अपने लिए फिल्में बनाई, मैंने नहीं बोला मुझे हीरो रखो। लोग आए मेरे पास में ना, और फिर मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा नहीं, तो इसलिए मैं अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है सर। बट मैंने अभी एक शॉर्ट फिल्म का रखी है, स्पॉटलेस नाम है उसका, उसकी तारीफ है, काफ़ी अवार्ड जीत रही है वो काफ़ी फेस्टिवल्स में, वो आप देखेंगे, उसके बाद देखते क्या होता है। ठीक है, पहले मैं मैसेज देता हूँ। मैं आज ही नहीं, हाँ आज सुबह मैं 4:30 बजे से उठ के रियाज़ कर रहा था क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, और मैं सोचा था कि मैं टाइम को वेस्ट क्यों करूं, तो मैंने रियाज़ शुरू किया। फिर मैं मेरे बेटे को स्कूल में जब उठाया तो उसको मैंने कहा कि देख, इतनी उम्र के बाद में भी इंसान की जर्नी वो रियाज से चलती जा रही है, और करना पड़ता है, गाने पे ध्यान देना पड़ता है, कोई भी काम करें आप उस पर मेहनत करनी पड़ती है। तो आपके लिए भी ये कहना चाहूँगा कि अगर आप आज रियाज़ कर रहे हैं तो आगे भी रियाज़ करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू कीप डूइंग इट। जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा होगा, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छा गाइए, अच्छा सुनिए, अच्छा सोचिए, अच्छी बातें कहिए, लोगों को जजमत कीजिएगा, एंड दैट्स इट, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जी। और आप सभी को मेरी ओर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नया साल खूब उत्तम हो, खुद खूब अच्छा रहे, आप अच्छी तरक्की करें, सुख से रहें, खुश रहें, और अच्छा म्यूज़िक सुने, अच्छे म्यूज़िक की सराहना करें। वो बाद में करें, बाद में। मैं असल में मेरा पहला काम है एक, मैं वीडियो शूट कराऊंगा 4 तारीख को करनाल में, तो मेरी नए साल की शुरुआत एक बहुत अच्छे वीडियो से होगी जो मैं एक फिल्म के लिए कर रहा हूं, और उसका एक वीडियो शूट है करनाल में, वो कर रहा हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। Thank you so much. Thank you.